अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ट्यूटोरियल कंपनी। दोस्तों, YouTube वीडियोस की SEO की पहली वीडियो के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें वो कौन से 3 टूल्स चाहिए जिन पे काम करके हम अपनी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा व्यूज़ से आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो इन टूल्स के ज़रिए आप अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे यूट्यूब के, इसके साथ साथ गूगल पर भी आप रैंक कर सकेंगे। और जितना ज़्यादा आप रैंक जाहिर सी बात है वीडियो को करते हैं तो आपके व्यूज़ भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो 3 टूल्स आपको कौन कौन से चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग विड आई क्यू, एक एक्सटेंशन है जो कि है गूगल क्रोम की, इसको आप जो है गूगल क्रोम में एक्सटेंशन को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने चैनल को लॉगिन भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर आई क्यू के नाम से देख सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा, इसमें मैं अपने जिसमें मैं अपने होम पे जा सकता हूँ, डैशबोर्ड पे किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ डायरेक्ट बगैर यूट्यूब को ओपन किए, अपने वीडियोस पे जा सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आप एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो, उसके अलावा आप कंपटीशन स्कोर भी देख सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, उसके अलावा आप टैग्स और SEO वगैरह के बारे में भी यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि VidIQ का क्या फ़ायदा है। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर आपने YouTube पर काम करना है और पैसा कमाना है और आपको वाकई में पॉपुलर होना है, तो फिर आपको VidIQ को लाजमी जो है वो आपने इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स में, जो भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ जो आपको चाहिए दोस्तों। दूसरे नंबर पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास ट्यूबबडी सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। ट्यूबबडी सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये भी एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, और जब आप इसको ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे पास गूगल क्रोम में ये भी है। इसमें क्या होता है कि इस एक्सटेंशन के थ्रू जब आप इसको अपने चैनल के साथ लॉग इन करते हैं तो वो आपके चैनल पर यहाँ पर ये देखिए यूट्यूब के अंदर ही एक पूरा मेन्यू आ जाता है, और आपके क्विक लिंक्स में देखिए यहाँ पर वही सारे ऑप्शन दिखा रहा है जो कि VidIQ में दिखा रहा था। लेकिन इसका अपना फ़ायदा है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए जैसे कि इसमें टैग कीवर्ड एक्सप्लोरर है, आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको भी नहीं पता कीवर्ड क्या होता है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि कीवर्ड को कैसे आपने एक्सप्लोर करना है, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है, फिर आप अपनी वीडियो क्रिएट करनी है। इस पर आप अपने जब आपको टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर टॉपिक प्लानर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको ये बताता है कि आपके चैनल के लिए वो कौन सा टाइम बेस्ट है जिस पर आप पब्लिश करें तो आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। इसके अलावा आप अपने कॉम्पिटिटर्स की जो टैग्स हैं उनको, उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्यूबबडी भी आपके पास होना चाहिए। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा मैं VidIQ और ट्यूबबडी के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बता कर ही जाऊँगा। टेंशन ना ले, इसी वीडियो में बताऊँगा कि इसका आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा और आपको रैंक करने का फॉर्मूला भी बताऊँगा जिससे आपकी वीडियो रैंक भी होंगी, और ये कोई फेक तरीका नहीं है कि चंद दिनों के लिए वो वीडियो रैंक करेगी उसके बाद चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेन्युइन मेथड है और ये कोई फेक मेथड नहीं होगा। तो सो तीसरे नंबर पर जो मैं रिकमेंड करूँगा आपके पास जो है वो होना चाहिए वो है रैंक ट्यूब रैंक जीट। आपने नाम सुना होगा इन सबका। ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है और इस वक्त मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। किसी को चाहिए होगा तो वो मुझे फेसबुक पे कॉन्टेक्ट करेगा तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री में दे दूँगा, आप इसको चला सकेंगे। इसमें क्या होता है कि अब आपने जो भी अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो उसका आपने कीवर्ड यानी टाइटल जो भी आप रखना चाह रहे हो यहाँ पर आप टाइप करोगे, उसके बाद अपनी पसंद की आप जितनी वीडियोस को कंपटीशन देना चाहते हो, जितनी वीडियोस को आप एनालाइज करना चाहते हो उतनी वीडियोस आप सेलेक्ट करो। मैं रेकमेंड करता हूँ या तो 7 रखें या तो 5 रखें, क्योंकि जो मैंने ये वीडियो बनानी है इसमें मैंने आपको बताना है कि टॉप 5 वीडियोज़ में कैसे रैंक करना है, ठीक है।
तो मैं 5 को ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अभी मैं कुछ करूँगा नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर भी आपके पास होना चाहिए। इसमें जब आप कीवर्ड देते हैं तो ये आपको पूरा उसका बायोडाटा दे देता है और दिखाता है कि कौन सी वीडियोज़ इस वक्त टॉप पे हैं इस कीवर्ड के ऊपर। और बाकायदा हम एनालिसिस के थ्रू फिर हम अपना स्कोर पता कर सकते हैं कि क्या हमारी वीडियो रैंक करेगी भी या नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो बना कर दूंगा कि आप ट्यूब रैंक जीत को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपनी वीडियो को रैंक करने के लिए। और बाद में मैं आपको एक केस स्टडी भी दिखाऊंगा, घबराइएगा नहीं, सब कुछ आपके सामने करूंगा। आने वाली ये वीडियो की पूरी सीरीज जो है इसी के ऊपर है कि वीडियोज़ यूट्यूब वीडियोज़ को किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूट्यूब पर काम करने का इरादा रखते हैं। असल में मैं ये वीडियोस क्यों क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी एक यूट्यूबर से बात हुई थी जो कि पाकिस्तानी लड़की थी और वो काम कर रही है। तो उसने कहा कि मैं एक साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कीवर्ड्स रिसर्च किए थे, आपने टैग्स अच्छे से लगाए थे, आपने वीडियोज़ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से की थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी SEO का कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये वीडियोस बता दूं किस तरह से वो अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के बाद कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद किस तरह से आप उसके लिए प्रॉपर टैग्स निकालेंगे, स्पैमिंग टैग्स नहीं निकालने बल्कि वो टैग्स निकालने हैं जिन पे आपकी वीडियोस रैंक करेगी, ठीक है। उसके अलावा हम कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं कॉम्पिटिटर के जो टैग्स हैं उन पर उनको भी देखेंगे। हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ उनको बीट करना है रियल मैटर से। अपनी खुद की अच्छी SEO करके आपने अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, हमने उनके चैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीन टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको लाजमी दरकार है। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इसका क्या फंडा है। वैसे तो ये अगली वीडियोस में मैं बता ही दूंगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं Tubebuddy के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट जो है माय वीडियोस में जाता हूँ। Tubebuddy से क्या कुछ पता चलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। Tubebuddy के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर, जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो इसमें थंबनेल जनरेट का भी ऑप्शन आता है और इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको Tubebuddy की डिटेल से वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर कि आप Tubebuddy के थ्रू क्या क्या कर सकते हो। ये देखिए Tubebuddy में आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी वीडियोज़ पर मोनेटाइजेशन जो है वो येलो डॉलर साइन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें Tubebuddy के थ्रू हो जाती है। देखिए यहाँ पर हर वीडियो के साथ जो है वो ऑप्शन है, यहाँ से पता चलता है कि आपकी SEO बेहतर तरीके से हुई है या नहीं। यहाँ से देखिए थंबनेल आप जनरेट कर सकते हो, एम्बेड एडवांस ऑप्शन है ऑटो प्ले का, ऑटो प्ले नहीं करना। इसके अलावा आप अगर कंपटीशन सेलेक्ट करते थे यहाँ से आप एक विनर को सिलेक्ट भी कर सकते हो, जिसका बेहतरीन कमेंट होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट ये कर देगा। इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने जो आपको थोड़ा सा दिखाना था इसका जो बेसिक जो हमें ज़रूरत है जिसकी, लाइक ये एक वीडियो है मेरी तो उसको मैं एडिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि Tubebuddy मुझे क्या दिखाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने टैग्स दिए हुए हैं, तो Tubebuddy मुझे बताता है कि मेरी कौन सी वीडियो किस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने टैग्स जो दिए हैं ये ग्रीन कलर का जो आप नज़र आ रहा है और येलो ब्लू कलर में भी, ग्रीन और ब्लू कलर में आप देख सकते हो। जो ब्लू कलर में है वो मुझे विद IQ रिज़ल्ट बता रहा है, जबकि जो ग्रीन कलर में है वो मुझे Tubebuddy बता रहा है। तो देखिए मेरे कितने कीवर्ड जो है वो रैंक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आउट टू ऐड कीवर्ड ये वाला कीवर्ड यूज़ करता है सर्च इंजन में, तो मेरी वीडियो तीसरे नंबर पर है या पाँचवें नंबर पर है। तो इस तरह से अगर आप इनमें से आप ट्राई करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि ये सच है या झूठ, तो आप दोस्तों मेरी वीडियो का यहाँ से कोई भी एक टैग आप यहाँ पे वीडियो में देख लो, आप उसको सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, आपको मेरी वीडियो जो है मेरी तस्वीर के साथ शो हो जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब आप Tubebuddy आपको क्या दिखा रही है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विद IQ वाले हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि आपका SEO स्कोर दिखा रहे हैं। देखिए 100 में से 71.2%
और चेकलिस्ट, ये देखिए चेकलिस्ट भी आपको बताई जाती है कि आप अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग काउंट 5, टैग वॉल्यूम 2, कीवर्ड टाइटल 5, ट्रिपल कीवर्ड 5, उसके बाद देखिए कीवर्ड डिस्क्रिप्शन 5, रैंक टैग भी 5 है। तो दोस्तों ये इससे पता चलता है कि आपकी ऐसे बेहतर तरीके से हुई है या नहीं। ये सिर्फ बेसिक है जो कि विडाई की और ट्यूब बडी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं अपने की कीवर्ड ऐड करता हूँ, एड MP3 इन ब्लॉगर, ठीक है। चलिए, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है तो मैं दिखाता हूँ कि विड आई क्यू मुझे और क्या चीज़ दिखा रहा है। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको कीवर्ड को रिसर्च किया तो आप देख सकते हैं कि विड आई क्यू बेसिक ने यहाँ पर मुझे सर्च टर्म दे दी है। उसके अलावा ये बता दिया कि हाईएस्ट व्यू किस वीडियो पे आए हैं, एवरेज व्यू कितने हैं, लास्ट 7 डेज में कितने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको कीवर्ड स्कोर पता चल जाता है कि कीवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना इसका है। ये देखिए यहाँ पर सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, मीटर आपको दिखा रहा है। अगर ये ग्रीन पे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर रेड पे है तो उसका मतलब ये कि इस पर कम साधु नादर ही सर्चेज हो रही है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन स्कोर भी देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो 47 है, यानी 6 का जो है वो कंपटीशन है। तो यहाँ पर देखिए मेरे इसी कीवर्ड पर मेरी वीडियो जो है वो 3rd और 4th नंबर पे आ रही है इस कीवर्ड के ऊपर। उसके अलावा आप यहाँ पर नीचे अगर किसी भी मैं वीडियो को ओपन करता हूँ तो उसके साथ जो है विडाई की मुझे दिखा देगा कि इस वीडियो में कौन से कीवर्ड यूज़ हुए हैं जिन पर ये वीडियो रैंक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप कॉम्पिटिटर को आप देख सकते हो कि वो क्या काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप फिर उसको बीट कर सकते हैं। तो ये आने वाली वीडियोस में मैं ये सब कुछ करके बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको ये 3 जो टूल्स हैं ये आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। अगली वीडियो होगी कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो टॉपिक के लिए और यूट्यूब वीडियो SEO ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।